मैले कान पक्रेँ, कहिले आउँदिन। किनमेल गर्न गएका क्रेताहरूमाथि सिलगढी हङकङ मार्केटका केही व्यवसायीहरूले कुटपिट गरेको उठ्यो आरोप। घटनालाई लिएर हङकङ मार्केटमा देखियो सनसनी। पानीटेङ्की पुलिस आउटपोस्टमा गरियो व्यवसायीहरू विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता। भन्ने गरिन्छ कि पसलेहरूको लागि ग्राहक भगवान सम्मान हुन्, तर सिलगढीको हङकङ मार्केटमा यस्तो घटना अघि आयो कि जसको यथार्थ थाहा पाएपछि सिलगढी हङकङ मार्केटका केही व्यवसायीहरूको व्यवहारमाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। प्राप्त जानकारी अनुसार सिलगढी नगर निगमको 43 नम्बर वार्ड अर्थात् गान्धीनगर इलाकाका व्यक्तिहरू नेपालबाट आएका आफ्ना आफन्तहरूलाई लिएर मङ्गलबार सिलगढीको हङकङ मार्केट गएका थिए। त्यहाँ एउटा चप्पल किन्ने विषय लिएर व्यवसायी अनि क्रेताबीच भनावैरी सुरु भयो। हङकङ मार्केटका केही व्यवसायीहरूले मिलेर महिला पुरुष केही नभनी क्रेताहरूमाथि बेपरवा कुटपिट गरेको आरोप छ। घटनापछि पीडिताहरूले पानीटेङ्की पुलिस आउटपोस्टमा एउटा प्राथमिकी दर्ता गरेका छन्। प्राथमिकी दर्ता गरेपछि गान्धीनगरकी अमृता छेत्रीले घटनाबारे बोल्दै के भनिन् सुनौ। घटनामाथि नेपालबाट आएकी अमृताकी आफन्त देवी बस्नेत तामाङले घटनाबारे बोल्दै आफू 5 वर्षपछि नेपालबाट सिलगढी आएको तर अब उक्त घटनाको कारण फेरि सिलगढी फर्केर नआउने बताइन्। यहाँको मान्छेको एकदम सपोर्ट हुनुपर्ने होइन, अब सपोर्ट हुनुपर्ने, यस्तो नगर भन्नुपर्ने होइन, कसैले पनि भनेन, अब त कहिले पनि नआउने भनेर मैले कान पक्रेँ, अब कहिले आउँदिनँ। फर्स्ट टाइम यस्तो भयो। आउनु त भाउजू हुनुहुन्छ, दाजु हुनुहुन्छ, आउनु त म थुप्रै, तर 5 सालको बादमा म आएको, 5 सालको बादमा आएको। त्यो त अब हुन्छ भन्ने सोचेकै थिएन, कहिले यस्तो होला भन्ने नै सोचेको थिइनँ। हामीले त्यहाँ बसेर लफडा हुन्छ भने कता त्यति नै बस्थ्यौँ होइन हामी। दिदी क्या नाम है? मेरो देवी हो, देवी बस्ने त हो। चप्पल किन्यौँ होइन हामी, चप्पल किनेर अब सरासरी यता हामी निक्ल्यौँ नानीहरूले चप्पल हङकङ मार्केटमा, गेट नम्बर 2 होइन, त्यहाँनिर गयौँ अरे, चप्पल किनेर आयौँ अनि नानीहरूले चप्पल किनेछ, उसलाई बाबुलाई भनेछ यत्रो वर्ष दिन अलिक खप्ने चप्पल दिनु मलाई भने बच्चाले भन्दाखेरि यत्रो मोटो छ सन्तालाई खप्ने चप्पल कहाँबाट आउँछ भनेर भन्यो अरे उसले बाबुले भन्यो अनि तेरो होइन मेरो बाबुका खाता है भनेर भन्यो। त्यसो भनेपछि किन मुख छाडिस् भनेर भन्यो अरे अनि दुईजना अब मेरो बच्चाहरू त नेपालबाट आएको होइन, केटाकेटी छ, यस्तो नगर्नु सरी बच्चाले भनिहालो भन्दा भन्दै यस्तो झोला थियो हाम्रो, झोलामा सपिङ गरेको थियो झोला, त्यो झोला सोला सबै फाडफुड गरिदियो, नानीहरू तिनटैलाई मजाले पिट्यो होइन, हामीले किन पिटेको भन्दै जाँदा मलाई पनि घाँटीमा यस्तो चोट लाग्यो होइन, मैले मङ्गलसूत्र लगाएको थियो, सबै बच्चा कुचुक पारिदियो है, सबै गऱ्यो यस्तो गरिदियो अनि छुट्याउँदाखेरि सबैजना भएर पिट्यो नानीहरूलाई, कसैले पनि भनेन कि नपिट्नु यस्तो गर्नु भने, कसैले पनि भनेन हामीहरूलाई, नेपालबाट आएको भनेर मेरो बच्चाहरूलाई नेपालबाट आएको भनेर उनीहरूले कुटेको रहेछ खासमा गरेर, नभएदेखि त सानो बच्चाले गल्ती गर्यो एउटा कुरा होइन, उनीहरू त एउटा यत्रो जिम्मेवारी लिएर बसेको मान्छे हो नि त होइन, त्यहाँ त्यो गाली गर्नुपर्छ है, यस्तो बोल्छस् भने त जा भन्नुपर्छ, बरु नदिनुपर्छ, तर कुट्ने त होइन नि बच्चालाई, हामी भनेको त पाहुना जस्तो हो नि त यहाँ आएको होइन। यसरी नै धुलाई खाएका पुकार छेत्रीले आफूलाई चप्पल मन नपर्दा पसले मोटापनको कुरा गर्दै आफूमाथि कुटपिट गरेको बताइरहेका थिए। नाम पुकार छेत्री, हम अपर गान्धीनगर, मैं चप्पल लेने गया था ना, मेरे को मैं चप्पल लेने गया हॉन्गकॉन्ग मार्केट गेट नंबर 2। अच्छा। एंड मैंने बोला ये थोड़ा टिकाव वाला चप्पल दीजिए, तो ये चप्पल नहीं टिकता, तो उन्होंने ये चप्पल दिखाया, तो मैंने बोला ये चप्पल नहीं टिकता है, तो मैं रिटर्न हो गया था, तो उसने मेरे को बोला इतना बड़ा शरीर लेके हाथी जैसा तेरे को घंटा चप्पल मिलेगा, तो मैंने भी बोला हम अपना बाप का खाता, तुम्हारा बाप का थोड़ी खाता है, तो मेरे को ना 3 जन आके ऐसे ऐसे करने लग गया, तो वो मेरे को हिट करने लग गया, फिर मेरे को मैंने मंदिर कृष्णा मंदिर के सामने सबको फैमिली को लेकर आकर मैंने पापा को कॉल किया, पापा को कॉल करने का, पापा आया, फिर पापा को मारने लगे सब लोग, फिर मेरे को चार जन मिलाकर मेरे को पूरा अंदर मार्केट का मुर्गी लाइन सब मेरे को भगाते सिक्किम होटल तक बटाम और उससे मारते लगे, मेरे को बोला कि यही मार खाने के लिए आया था ना तुम लोग नेपाली लोग, ऐसे ऐसे बोल के मार गया, बस यही बात है। कम से कम 50-60 लोग था पूरा,
मेरे को चार लोग ने मारा, चार लोग भगा भगा सामान था हम लोग का, बेल्ट मारा मेरे को, सब पूरा मारा बटाम से यहाँ पर पीछे में पूरा एकदम खरोच, हाथ में यहाँ पर दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, लात से मारा पीछे भी लात से मारा। শিলগুড়ি দিয়ে খাইলাম আমি, হংকং মার্কেটে আমাদের সব চিনে, আমি বাবলুদারও কাজ করছি সব থেকে চিনার পরেও আমরা আসার পরে বলতেছি কি আমার সাথে একটা ভাই গেছিলো, এই দেখো এ ভাইকে নিয়ে আমার ছেলের কাছে কি হয়েছে বলে আমি ভাইকে নিয়ে গেলাম, তো দোকানে একটা লোক ছিল না যে মারছে, তারপরে পরে একটা লোক লাগছে, এই লোক বলতে গেলে খালি আমরা বলতেই গেলাম একটাও দোকানদার বাকি নাই, যে একটাও দোকানদার বাকি নাই যে আমাদেরকে হাত পা মারে নাই, একটা মানে আমার ছেলেকে ওখান থেকে মারে মারে দিল্লি হোটেল অবধি নিয়ে, সিকিম হোটেল অবধি নিয়ে আসে। মারছে কেন দাদা, কি কার কি হয়েছিল? আমার ছেলে, আমার ছেলে ছেলে বলছে জুতা কিনতে গেছে, তো আমার ছেলের জুতা পায়ে ঠিক হয়েছিল না, তো জুতা পায়ে ঠিক না হওয়ার পরে আমার ছেলে জুতা নিল না, তো বলছে হাতি জৈসা শরীর লেগে তুমি জুতা খরিদ নিয়ে আয়েগা, তো মেরা বেটা কা ইতনাই ভুল হওয়া হোগা, মেরা বেটা বলা হয় আমারা তো হম আপনা বাপ কা খাতা হয়, তো এর টোচর তো ও ভী নেই কর সকতা হয়, মেরা বেটা হাতি হো ঘোড়া হো উসকো মেটার কে আয়ে উসমে, ও কমেন্ট কিউ করেগা, ও ব্যবসা করে খাতা হম লোগ কা বদলসে উসকা রোজি রোজি রোটি চলতা হয়, হ্যাঁ হম লোগ নেই জায়গা তো ক্যা খায়েগা, তো এ এ এ চিজ এ এসা টোচর হো রা, এক তো হমকো দুঃখ ক্যা চিজ কা লগা কি হংকং মার্কেট মে ইতনা ব্যবসা থা হম লোগ কো 10 আদমি মার রা হ্যায় তো 20 আদমি মার রা হ্যায়, এক তো ভী আদমি হম লোগ কো ছুটানে নেই আয়া কি ভাই হো গিয়া তুম জো মত মারো, अर्कोतिर पानीटिङ्की आउटपोस्ट पुलिसले उजुरीको आधारमा घटनाको जाँच सुरु गरिसकेको बताइएको छ। डिपिएमआई सिलगढी भर्ना खुलिरहेछ, भारतको लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, सरकारद्वारा अनुमोदित कोर्सहरू, अनुभवी स्टाफ र फैकल्टी, स्टेट अफ आर्ट ल्याब्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड स्कलरसिप सेल, प्रशिक्षण र प्लेसमेन्ट सेल, 100% प्लेसमेन्ट रेकर्ड। उत्तर बङ्गाल र सिक्किमकै सर्वश्रेष्ठ प्यारामेडिकल संस्थानको रूपमा सम्मानित डिपिएमआई सिलगढी। इएमआई सुविधा 0% ब्याजमा उपलब्ध, पश्चिम बङ्गाल क्रेडिट कार्ड योजना उपलब्ध, सम्पर्क गर्नुहोस् डिपिएमआई सिलगढी 7001812356 6294777731 www.dpmisilgari.com